हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 19th एंड 20th अगस्त वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्स रुपीज 11,040 करोड़ नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEOOP। तो बेसिकली गवर्नमेंट एडेबल ऑयल्स के प्रोडक्शन को मजबूत करना चाह रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि एडिबल ऑयल के क्षेत्र में हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो डिस्पाइट हैविंग द प्रॉपर लैंड क्लाइमेट, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर कंजम्पशन। और इससे कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, एज वेल एज जिस प्रकार का सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट चल रहा है ग्लोबल वर्ल्ड में, उसको ध्यान में रखते हुए ये मिशन बेसिकली लॉन्च करी गई है। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो NMEOOP दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव एडिबल ऑयल के इम्पोर्ट के डिपेंडेंसी को कम करना है। कैसे कम किया जाएगा? इंक्रीजिंग द एरिया एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल पाम। एक तो तरीका है कि हम कल्टीवेटिंग एरिया बढ़ा दें, दूसरा तरीका है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, सेम लैंड और पहले के मुकाबले वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो ये हो गया आपका प्रोडक्टिविटी दैट इज एफिशिएंसी, और दूसरा हो गया आपका इंक्रीमेंट इन एरियाज। और एक खास बात ये है कि इस स्कीम में सनसेट क्लाउज भी डाली गई है। व्हेन वी से सनसेट क्लाउज तो इसका मतलब आपका एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ये जो इनिशिएटिव है स्कीम है वो बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हो डेडलाइन दे दी गई है, 1 नवंबर 2037 तक ये स्कीम को चलाया जाएगा। एंड NMEOOP की बात करें तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम इसको सब्ज्यूम करेगा। और आप देख सकते हो ये प्रोग्राम लाने की क्या जरूरत थी, तो इंडिया बेसिकली 2/3 ऑफ इट्स एडिबल ऑयल डिमांड इम्पोर्ट के माध्यम से आपका मीट करता है। 2/3 मतलब समझ रहे हो, अप्रोक्स आपका 75-76% जो डिमांड है वो आपका इम्पोर्ट से कंप्लीट होता है। कहीं ना कहीं हमारे जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा है। शेयर ऑफ ऑयल पाम इम्पोर्ट हाईएस्ट है, यानी कि अमंग द एडिबल ऑयल उसमें जो हम लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं वो आपका ऑयल पाम या पाम ऑयल की करते हैं। उसके बाद आपका सोया ऑयल हो जाता है और फिर नेक्स्ट नंबर आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया। ठीक है, आप प्रीलिम्स के लिए याद रख सकते हो पाम ऑयल हाईएस्ट शेयर है इंपोर्ट का विद रिस्पेक्ट टू द एडिबल ऑयल। एंड ये जो मिशन प्रपोज करी गई है इट विल कवर एडिशनल एरिया ऑफ 6.5 लाख हेक्टेयर फॉर ऑयल पाम टिल द ईयर 2025-26। एंड उसके बाद धीरे धीरे 10 लाख हेक्टेयर्स का टारगेट अचीव करना है। 10 लाख हेक्टेयर्स का टारगेट अचीव करने का मतलब ये हुआ कि इतने बड़ी जमीन पर ऑयल पाम जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाएंगी, है ना। एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पाम ऑयल ये ग्रो हो सकती है इस स्कीम के आने से अप टू 11.20 लाख टन बाय 2025-26। एंड 2029-30 आते आते ये आपका 28 लाख टन का प्रोडक्शन हो सकता है इस स्कीम के आने के बाद। ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ाई जा रही है। ठीक है, एरिया बढ़ाई जा रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेंगे और उम्मीद करी जा रही है कि ये आपका 2029 आते आते ये 28 लाख टन का प्रोडक्शन हो। एंड देयर विल बी अ स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबर आइलैंड, क्योंकि ये दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पर पाम ऑयल कल्टिवेशन अच्छे से हो सकती है, क्लाइमेट फेवरेबल है। मेजर फोकस ऑफ द स्कीम की बात करें तो पहला है आपका प्राइस एश्योरेंस। तो प्राइस एश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी प्राइस टू द ऑयल पाम ग्रोवर्स फॉर देयर फ्रेश फ्रूट बीचेज बंचेज। एंड प्रेजेंटली ये जो आपका फ्रेश फ्रूट बंचेज है ये लिंक किए गए हैं इंटरनेशनल CPO प्राइस फ्लक्चुएशन से, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होगा तो इसका भी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन अगर आपका प्राइस गिर रहा है तो गवर्नमेंट प्राइस एश्योरेंस भी देगी कि जितना भी मार्जिन से गिरेगा वो वायबिलिटी गैप गवर्नमेंट करेगी।
है ना, एंड इंक्रीजिंग असिस्टेंस ऑफ इनपुट्स इंटरवेंशन, जिसमें आपका प्लांटेशन है, मेंटेनेंस है, इंटरक्रॉपिंग इंटरवेंशन है, ये सब हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिबल ऑयल की, तो एडिबल ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, इट इज ए फैट ऑफ प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रोबियल ओरिजिन, जो लिक्विड होती है एट द रूम टेम्परेचर एंड इज सुटेबल फॉर फूड यूज। तो बेसिकली घर में जो तेल यूज किया जाता है उसी को तो एडिबल ऑयल कहते हैं ना। तो इट कैन बी फ्रॉम प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल ऑरिजिन। एग्जाम्पल ऑफ एडिबल ऑयल की बात करें तो देख लो, ऑलिव ऑयल होते हैं, पाम ऑयल होते हैं, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, पम्पकिन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो ये सब कुछ वेराइटीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं एडिबल ऑयल के। तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो कैबिनेट का ये स्कीम और इस स्कीम के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑयल पाम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। एडिबल ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, जिसमें वन ऑफ द स्टेप की इंक्रीज कर दिया जाए एरिया अंडर कल्टिवेशन, एंड वेरियस स्कीम ऑलरेडी चल रही है ऑयल पाम के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। वी हैव डिस्कस्ड इट। नेक्स्ट इज योर कैबिनेट अप्रूव्स रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट टू द मॉनिटर प्रोटोकॉल। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये एनवायरमेंट सेक्शन के लिए। किगाली अमेंडमेंट के भी बारे में जानेंगे और रेटिफिकेशन के बाद क्या इम्पैक्ट होगा उसे भी देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत जो मॉनिटरियल प्रोटोकॉल लाई गई थी और उसके जो पार्टीज है, पार्टी यानी कि मेंबर जिन्होंने साइन किए है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल को, उसे पार्टीज कहा जाता है ना। तो अंडर द किगाली अमेंडमेंट पार्टीज टू द मॉनिटरियल प्रोटोकॉल, इनको अब फेज डाउन करना पड़ेगा क्या प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन, किस चीज का, एच एफ सीज का, याद रखना एच एफ सीज का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। बिकॉज ये जो एच एफ सीज है ये ग्रीन हाउस गैस है, काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल वाले ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसको फेज आउट करना पड़ेगा, किगाली अमेंडमेंट के तहत बोला गया था, ठीक है। तो शुरुआत में मॉनिटरियल प्रोटोकॉल में एच एफ सीज को कवर नहीं किया गया था, सी एफ सी सब कवर थे, लेकिन किगाली अमेंडमेंट लाया गया उसके बाद आपका एच एफ सीज को ऐड किया गया। एच एफ सीज को ऐड करने का कारण एक ही था कि एक हाई ग्रीन हाउस गैसेस पोटेंशियल पोजेस करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो एच एफ सीज आर ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो कूलिंग एज वेल एज रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता है। एंड ये जो एच एफ सी है, याद रखना एच एफ सीज कोई स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता है। तो इसे क्यों फिर लाया गया आपका मॉनिटरियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, क्योंकि गाली अमेंडमेंट के तहत एच एफ सीज को ऐड किया गया। तो ऐड करने का एक ही कारण, जैसा कि हमने बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका, एच एफ सीज का, वो काफी ज्यादा है, 14,000 तक का आपका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल ये पोजेस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक यूनिट रिलीज होता है, और इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका एच एफ सी रिलीज होगा वो 14,000 टाइम्स मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट ला सकता है एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब होता है पोटेंशियल। एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो इसका मतलब है हाउ मच इनर्जी द इमिशन ऑफ 1 टन ऑफ गैस विल ऑब्जर्व ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिव टू द इमिशन ऑफ 1 टन ऑफ CO2, यानी कि 1 टन ऑफ CO2 अगर रिलीज करो और 1 टन अगर आप ये एच एफ सी रिलीज करो या फिर कोई अन्य गैस रिलीज करो, तो उसके कंपेरिजन में कितना ज्यादा टाइम्स ये इनर्जी पोटेंशियल पोजेस करता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहते हैं। एंड इंडिया विल कंप्लीट इट्स फेज डाउन एच एफ सी इन 4 स्टेप्स। तो देख सकते हो एच एफ सी को अभी फेज डाउन नहीं किया गया, लेकिन इंडिया अपना फेज डाउन कंप्लीट करेगा 4 स्टेप में। शुरुआत की जाएगी 2032 से, जिसमें आपका 2032 आते आते 10% रिड्यूस किया जाएगा एच एफ सी के प्रोडक्शन को, 2037 में 20%, 2042 में 30%, एंड 2047 आते आते 80% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। एंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फेज डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये डेवलप करी जाएंगी आफ्टर रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद ऑल द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स बाय 2023। मेजर इंपैक्ट की बात करें तो देख लो, एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट द इमिशन अप टू 105 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्या बेनिफिट है देख सकते हो, 105 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन रोका जा सकता है अगर इसे कंप्लीटली इंप्लीमेंट करी जाती है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, अप टू 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर को
राइज होने से रोका जा सकता है बाय 2100 एंड सिनर्जीज विद ऑन गोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक एडिट सोशल को बेनिफिट बिसाइड द एनवायरमेंटल गेन। तो एक तरफ इन्वायरमेंटल गेन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक एडिट सोशल को बेनिफिट भी मिलेंगे। स्कोप फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड इनोवेशन फॉर अल्टरनेटिव नॉन HFC ये भी आएंगे, क्योंकि अगर ये बैन होंगे, ये खत्म होंगे, फेज आउट होंगे, तो इसके अल्टरनेटिव भी आएंगे, और जो अल्टरनेटिव होंगे डेफिनेटली ये क्लीनर होंगी, ग्रीनर होंगी, जो उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल नहीं रखता होगा, दैट्स व्हाई। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है वैसे केमिकल्स की जो लेस ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं, लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल केमिकल्स होता है वो सब। अब बात करते हैं मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाई गई थी ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, और ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करती है, कैसे, बाय फेजिंग आउट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मैनमेड केमिकल्स जिसको ODS कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और ये याद रखना है ओनली UN ट्रीटी, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ओनली UN ट्रीटी जो रेटिफाई करी गई है ऑल 198 UN मेंबर स्टेट्स के द्वारा, याद रखना है। एंड इंडिया इसका पार्टी बना था ऑन द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1992 में, एंड अल्टीमेटली इन्होंने फेज आउट कर लिया टारगेट्स ऑफ ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल में लिस्ट करी गई है ना। तो देख सकते हो सक्सेसफुली मेट द फेज आउट टारगेट्स ऑफ ऑल द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एज पर द मॉनिट्रियल शेड्यूल। एंड किगाली अमेंडमेंट बेसिकली 19 यानी कि 2019 में फोर्स में आई, और इसके तहत बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, तो रिड्यूस करना होगा यूज ऑफ HFCs बाय 80% बाय 2050। तो भारत भी देख लो ये टारगेट को फुलफिल करना चाह रहा है ना, कैबिनेट ने रेटिफाई कर दिए, तो ये भी आप देख सकते हो कि वाली अमेंडमेंट में क्या कह रहा जा रहा है कि 2050 आते आते 80% जो HFCs का यूज है उसको कम करना पड़ेगा। सो वी हैव डिस्कस्ड इट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Peace keeping ensures international peace, says External Affairs Minister at UNSC meet, है ना। तो peace keeping ensures international peace, तो EAM यानी कि External Affairs Minister इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो peace keeping है ये crucial role play करता है इंडिया के vision में of ensuring international peace and prospered four point framework। तो चार point framework भी बताए हैं जो पॉसिबल आर्किटेक्चर रखेंगे फॉर सिक्योरिंग UN पीस कीपर्स कि वो कंटेम्प्रेरी थ्रेट को मीट कर सके। क्या है फ्रेमवर्क में देख लो, ऑपरेशनली प्रूवन कॉस्ट इफेक्टिव वाइडली अवेलेबल रियलाइबल एंड फील्ड सर्विसेबल टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है। दूसरा नीड फॉर ए साउंड इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस फाउंडेशन फॉर अर्ली वार्मिंग एंड मोबिलाइजिंग ए कोहेरेंट एंड अर्ली रेस्पॉन्स। और इसके तहत इंडिया इन कोलेबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, याद रखना इंडिया इन कोलेबोरेशन विद UN लॉन्च यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म जो सिचुएशनल अवेयरनेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा जो यूटिलाइज करेगा मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को फॉर रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट टू द पीस कीपर्स। एंड इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटायर पीस कीपिंग ऑपरेशन को विजुअलाइज कोऑर्डिनेट मॉनिटर किया जा सकता है रियल टाइम बेसिस पर। एंड इंडिया ने पार्टनर किया है विद द UN कि वो रोल आउट करेंगे यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को। शुरुआत में ये फोर UN पीस कीपिंग मिशन के लिए बेसिकली रोल आउट करेंगे, कौन कौन सा, मीनू शमा, ये मीनू शमा पीस कीपिंग मिशन माली में चल रहा है, UN मिश ये आपका साउथ सुदान में चल रहा है, UNFICYP ये सिप्रस में चल रहा है, CYP यानी सिप्रस, एमिशोम ये सोमालिया में चल रहा है, तो SOM से सोमालिया याद रखो, CYP से सिप्रस एंड SS से साउथ सुदान एंड माली से MSC याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन करवाए जाएंगे शुरुआत में, फिर बाद में इसे एक्सटेंड किया जाएगा। तो UN पीस कीपर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है सो दैट ये देशों की मदद कर सके विच फेसेस द डिफिकल्टी एंड ट्रांजिशन फ्रॉम कंफ्लिक्ट टू पीस। एंड UN पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस के कारण एंड डिफेंस ऑफ द मैनमेड। नेक्स्ट इज देख सकते हो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीस कीपर्स इन द रियल्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ फ्रेमवर्क में बातें कही गई। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन पॉलिनेटर पॉपुलेशन में हिट द फूड प्रोडक्शन। पॉलिनेटर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर पॉलिनेटिंग द क्रॉप्स, जिसके कारण आपको फूड
फलित होते हुए दिखते हैं, दैट्स वाई सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेटर इज वेरी मच, और अगर इनके पॉपुलेशन डिक्लाइन करते हैं तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा पहुंच सकते हैं। तो देख सकते हैं जो फंडिंग है, इट इज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल लेवल स्टडी टू द इंडेक्स काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन इन इकोसिस्टम सर्विसेज जो पॉलिनेटर स्पीसीज प्रोवाइड करते हैं। क्या की फाइंडिंग है? टॉप थ्री ग्लोबल काउज ऑफ पॉलिनेटर लॉस, क्या है आपका टॉप थ्री काउज ऑफ लॉस ऑफ पॉलिनेटर? तो एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा लैंड मैनेजमेंट जिसमें आपका ग्रेजिंग फर्टिलाइजर एंड क्रॉप मोनोकल्चर ऑफ फार्मिंग है ना, तो क्या हो गया ग्रेजिंग फर्टिलाइजर क्रॉप मोनोकल्चर फार्मिंग जिसमें एक ही क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, एज वेल एज वाइड स्पीड पेस्टिसाइड यूज। एंड बिगेस्ट रिस्क टू ह्यूमंस क्या है आपका, कि भाई साहब क्रॉप पॉलिनेट करने वाले जो पॉलिनेटर है वही डिफिशिट हो जाएंगे, घट जाएंगे, फॉल इन क्वांटिटी हो जाएगा और इसके कारण क्वांटिटी ऑफ फूड एंड बायोफ्यूल क्रॉप वो भी फॉल डाउन हो जाएंगे। एंड स्टडी पॉइंट आउट दैट चाइना एंड इंडिया बीइंग हेवीली रिलायंट ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स जिनको पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है, और अब ये पीपल को रिक्वायर करते हैं कि वो इंडिविजुअली पॉलिनेट करवाए सम फ्रूट्स वेजिटेबल्स बाय हैंड, है ना। तो पॉलिनेटर्स की बात करें तो पॉलिनेटर मदद करता है कैसे, पोलिन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज स्टेमेन उसको कैरी करता है कहाँ, फीमेल पार्ट ऑफ द सेम या फिर अनदर फ्लावर जिसको स्टिग्मा कहते हैं। तो याद रखना स्टिग्मा इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्लावर एंड स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड मूवमेंट ऑफ पोलिन मस्ट अकर फॉर प्लांट to get fertilized and produce food, seeds, young plants, ये सब होते हैं। And some plants are self-pollinating, याद रखना आपको कौन से plants self-pollinating होते हैं। And self-pollinating का मतलब इनको pollen pollinators की जरूरत नहीं पड़ती है। And they fertilizes by pollen carried by the wind and water. एंड है ना, तो दो प्रकार की हो गई, एक तो सेल्फ पॉलिनेटिंग, एक दूसरा हो गया आपका विच इज फर्टिलाइज्ड बाय द पोलन कैरीड बाय द विंड और वाटर। एंड स्टिल अदर फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स जैसे बीज हो गए, वैस, मोट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड फ्लाइज, स्मॉल मैमल्स, ये सब आपके पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स के माध्यम से। तो ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अडॉप्ट्स स्कीम for accreditation of private exploitation agencies for undertaking the prospecting operations of minerals. तो developed किए गई हैं National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, that is QCINABET के द्वारा, और ये major regulatory reform कह सकते हो, so that जो economic potential है minerals sector का उसको unleash किया जाए by bringing in the private agencies. तो आप देख सकते हैं issue वही है कि जो Ministry of Mines है इन्होंने scheme adopt किया है so that accreditation प्राइवेट एक्सप्लॉयटेशन एजेंसीज को प्रोवाइड करी जाए फॉर अंडरटेकिंग प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस ऑफ मिनरल्स। एंड क्यूसीआई की बात करें, दैट इज द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है, ज्वाइंटली सेटअप करी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर एंड प्रमोट क्वालिटी थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। एंड एनएबीटी ये वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2021 ये एम्पावर करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो नोटिफाई कर सकती है इंटिटीज जिसमें आपके प्राइवेट एंटिटीज हो सकती हैं, दैट में अंडरटेक प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस सब्जेक्ट टू सर्च टर्म्स एंड कंडीशन जो स्पेसिफाई किए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट के ने ऑल्सो प्रपोज किया है टू फंड द प्राइवेट एक्सप्लोरर्स थ्रू द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। एंड एट प्रेजेंट ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है एक्सप्लोरेशन में एंड द पेस ऑफ एक्सप्लोरेशन लिमिटेड हो जाती है कैपेसिटी के कारण। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट विल हेल्प इन इनकरेजिंग द न्यू एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तो नए एंटरप्रेन्योर जो आएंगे इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उनको इनकरेजमेंट मिलेगा, साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज भी आएंगी, पेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी आएगी, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगा इन द सेक्टर। तो वी हैव डिस्कस्ड द लॉन्ग न्यूज, लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। सेंटर रिमूव्स 4% कोटा फॉर डिफरेंशियली एबल्ड इन पुलिस फोर्सेस। तो बेसिकली इश्यू क्या है, तो नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए अंडर द सेक्शन 34 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 कोटा हटा दिया गया है। कहां से? ऑल पोस्ट ऑफ आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स फॉर दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ऑल कम्बाइंड पोस्ट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो बेसिकली पीडब्ल्यूडीए की बात करें, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन
विथ डिफरेंशियली एबल्ड, इसके तहत आपका 4% कोटा प्रोवाइड होता था, 4% किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में 4% विद डिसेबिलिटी, लेकिन अब ये हटा दी गई है। क्यों? तो बेसिकली नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क को ध्यान में रखते हुए। कहाँ कहाँ से? ऑल पोस्ट ऑफ आईपीएस, रेलवे पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स ऑफ दिल्ली, अडवानी कवर, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, है ना, ये सब है। एंड ऑल कॉम्बेंट पोस्ट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। नेक्स्ट इज आरोग्य धारा 2.0। तो बेसिकली ये आरोग्य धारा 2.0 इवेंट कंडक्ट करी गई किसके द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, टू मार्क द माइलस्टोन ऑफ 2 करोड़ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एंड ऑब्जेक्टिव है ये टू इंक्रीज द रीच एंड क्रिएट की जाए अवेयरनेस अबाउट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एंड NHA दैट इज योर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन्होंने 3 अन्य इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं। पहला तो आयुष्मान मित्र, और ये बेसिकली इनकरेज करेंगे सिटीजन्स को कि वो पार्टिसिपेट करें इन मोटिवेटिंग एलिजिबल बेनिफिशरीज, है ना, तो सिटीजन्स को इनकरेज करें कि वो पार्टिसिपेट करें टू मोटिवेट द एलिजिबल बेनिफिशरीज कि वो वेरीफाई करवाएं अपने आप को अंडर द स्कीम, एंड उनको आयुष्मान कार्ड्स भी इश्यू की जाए। एंड दिस दूसरा है आपका अधिकार पत्र, तो वेलकम नोट होगा कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट्स ऑफ आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज। एंड अभिनंदन पत्र, थैंक यू नोट होगा टू द बेनिफिशियरी। नेक्स्ट इज योर नोटिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने नोटिफिकेशन इश्यू किए है टू इनेबल अथॉरिटीज टू मॉनिटर ट्रैफिक मूवमेंट एंड ऑल्सो चलान ऑनलाइन किसे, डिफॉल्टर्स को जो रूल फॉलो नहीं करते हैं ना। तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नोटिफिकेशन इश्यू किया टू इनेबल अथॉरिटीज टू मॉनिटर ट्रैफिक मूवमेंट एंड ऑल्सो चलान ऑनलाइन टू द डिफॉल्टर्स जो फॉलो नहीं करते रूल्स को। एंड रूल स्पेसिफाई द डिटेल्ड प्रोविजन फॉर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस ईडी, जैसे स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, ये सब प्लेस किए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑल्सो इंश्योर कि जो ईडी है वो प्लेस किया जाए हाई रिस्क एंड हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स पर ऑन द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, क्रिटिकल जंक्शन एट लीस्ट इन मेजर सिटीज विथ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, तो जहां पर 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा है, इंक्लूडिंग 132 सिटीज एट स्पेसिफाइड इन द रूल्स, वहां पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ईडी है दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस वो प्लेस करी जाए, है ना। सो नेक्स्ट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NERAMSC, तो बेसिकली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रिवाइवल पैकेज ऑफ NERAMSC सो दैट ये इंप्लीमेंट करे वेरियस इनोवेटिव प्लान्स को, नेमली द प्रोवाइडिंग बेटर फार्मिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग टू फार्मर्स इन क्लस्टर्स, ऑर्गेनिक सीड्स, ये सब। तो NERAMSC की बात करें तो इसे सेटअप किया गया टू सपोर्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हु गेट द रिमुनरेटिव प्राइसेस फॉर दैट प्रोड्यूस, एंड गैप को डाउन किया जाए बिटवीन द फार्मर्स एंड द मार्केट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इनहांस एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड स्पेशल फोकस ऑफ NERAMSC इज ऑन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। और जब हम बात करते हैं NERAMSC की, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत है। नील कुरिंजी फ्लावर काफी इंपॉर्टेंट है, तो कर्नाटका का मंडल पट्टी हिल्स, कहाँ है मंडल पट्टी हिल्स, कर्नाटका में, तो यहाँ पर आपको ब्लू नील कुरिंजी फ्लावर देखने को मिल रहे हैं जो 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं। एंड कंप्लीट ब्लूमिंग ऑफ दिस फ्लावर्स आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स कब आता है, आफ्टर आइसोलेटेड फ्लावरिंग लास्ट ईयर ऑब्जर्व करी गई थी फ्रॉम अंकारा मेतु हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट। फ्लावर्स की बात करें तो ये श्रब है जो 16 फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु में, है ना, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मिल जाते हैं ये। एंड नीलगिरी विच मीन्स ब्लू माउंटेन गॉट द नेम फ्रॉम द पर्पल ब्लू फ्लावर ऑफ नीलकुरंजी। नेक्स्ट डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.2, तो इसे लॉन्च किया गया है अंडर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IDEX DIO के अंतर्गत। एंड जब हम बात करें IDEX की, तो इसका एम वही है, सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फोस्टर करना इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस। कैसे? तो इंडस्ट्रीज जो भी हैं इंक्लूडिंग द MSME, जो स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, R&D इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमिया, इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाके। एंड DIO की बात करें, दैट इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और ये IDEX फ्रेमवर्क को एडमिनिस्टर करती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ये फंड्स भी रिलीज करेंगी टू द DIO फॉर सेटिंग अप एंड मैनेजिंग द IDEX नेटवर्क। नेक्स्ट एडवांस चैप टेक्नोलॉजी,
तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है एडवांस चैप टेक्नोलॉजी को सो दैट सेफ गार्ड करी जा सके फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रॉम इनेमी रडार थ्रेट। तो चैप टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या होता है ये, तो प्राइमरली ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे फाइटर जेट हो गए, नेवल शिप्स हो गए, फ्रॉम द रडार्स एज वेल एज रेडियो फ्रिक्वेंसी और गाइडिंग मैकेनिज्म जो भी रहे इनेमी मिसाइल्स के, उन सबसे प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द चैप डिप्लॉयड इन द एयर रिफ्लेक्ट एज मल्टीपल टारगेट्स फॉर द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, इसलिए मिसलीडिंग का काम करता है ना इनेमी रडार्स को, डिफ्लेक्टिंग द एडवर्सरी मिसाइल्स। महाराजा रंजीत सिंह द पर्सन इन न्यूज, तो बेसिकली स्टेच्यू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वैंडलाइज देखने को मिली लाहौर में। तो महाराजा रंजीत सिंह के अगर बेसिक की बात करें तो गुरजन वाला मॉडर्न पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, एंड ही वॉज द मिश लेडर, यानी कि चीफ थे सुकेर किया मिशल फ्रॉम 1992 से 1801 तक, एंड ऑल्सो फर्स्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर कह सकते हो है? और ये फाउंडर भी है, फर्स्ट महाराजा मतलब फाउंडर रहे हैं सिख एम्पायर के फॉर 38 इयर्स फ्रॉम 1801 से 1839 के बीच में। एंड ये सेकुलर लीडर थे, मॉडर्न आर्मी भी थी इनके पास, और इन्होंने दो ट्रीटी ब्रिटिश के साथ साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, आपने नाम सुना होगा महाराजा रंजीत सिंह का। और इनको लायन ऑफ पंजाब का भी टाइटल प्राप्त था फॉर हिज सक्सेस इन फ्रीइंग द लाहौर दैट इज हिज कैपिटल फ्रॉम द अफगान इन्वेडर्स। एंड इन्होंने कोहिनूर डायमंड को ऑन भी किया था, एज वेल एज गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में देखते हैं, इसको रिकंस्ट्रक्ट भी करवाया गया था इनके द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट वेल वर्स्ड पर्सनैलिटीज आप कह सकते हो, और फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर, एंड 38 ईयर्स तक चला था 1801 से 1839 के बीच, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। लायन ऑफ पंजाब का टाइटल इनको मिला हुआ है फॉर सक्सेस इन फ्रीइंग द लाहौर। सो वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट, होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।